गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा। स्वामी जी सात संगत जी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी इन दिनों अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं, तो बाबा जी ने आज सूरतपुर लालगढ़ में शासन किया और बाबा जी ने जो इस शासन में वाणी ली थी वह थी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये जो वाणी है ये तुलसी साहब जी की वाणी है और बाबा जी ने जो शासन किया वह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शासन किया था। ये बाबा जी इस शासन में हमें बताते हैं कि तुलसी साहब ने संत मंत्र का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया। एक मुस्लिम संत शेख तकी जो काबे से आ रहा था, उसने तुलसी साहब के समीप अपना खेमा लगाया तो तुलसी साहब ने ये जो गजल है उन्हें समझाने के लिए लिखनी पड़ी। तुलसी साहब उस शेख तकी को कहते हैं कि अगर तुमने उस रब को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा, क्योंकि जिसका दिल साफ होता है उसी के दिल में उस रब का वास होता है। हम जो है दुनियारी बातों में ये सब भूल गए हैं कि हमारा जन्म जो हुआ है वह किस लिए हुआ है। आगे बाबा जी कहते हैं कि चश्मे दिल देख जरा जो जो तमाशे यहाँ हो रहे। इसमें तुलसी साहब समझाते हैं कि इस दुनिया की हालत को बयान कर रहे हैं कि हमारे आसपास दुनिया का बहुत रंगमंच हो रहा है। दुनिया जो है अपने अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई है कि उस सच्चे परमात्मा जिसने उन्हें जन्म दिया है उसे भूलकर अपने अपने कामों में लग गई है। आगे तुलसी साहब ये कहते हैं कि अगर 84 के जामे से आपको निकलना है, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो आपको उस सच्चे परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। के तुलसी साहब जी कहते हैं कि ये जो मंदिर मस्जिदें बनी हैं ये सिर्फ एक दिखावा है, इसमें रब का वास नहीं होता। रब का वास सिर्फ आपके अंदर होता है। अगर आपने रब को पाना है तो अपने अंदर में पाइए, बाहर दुनियारी बातों में आप उस सच्चे परमात्मा को नहीं पा सकते। सिर्फ भजन सिमरन के द्वारा ही आप उस रब को पा सकते हैं, उस सच्चे परमात्मा को पा सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, आगे बाबा जी कहते हैं कि मैं जितनी बार भी शासन करता हूँ मैं सबको यही समझाता हूँ और बार बार सबसे यही बेनती करता हूँ कि नामदान अगर लिया है तो भजन सिमरन जरूर कीजिए, नामदान ही आपको मुक्ति दिलाएगी। जैसे तुलसी साहब जी ने भी संत मंत का प्रचार किया और उन्होंने भी भजन सिमरन कर कर अपनी जिंदगी में उस सच्चे परमात्मा को पा लिया। जितने भी ऋषि मुनि आए हैं उन्होंने हमें यही उदाहरण दी है कि नाम जो है उसका सिमरन कीजिए, उसके बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने आज इतनी बातें इस संगत को समझाई और संगत बाबा जी की बातें सुनकर रो रही थी। बाबा जी जब भी शासन करते हैं तो उनकी संगत बाबा जी की बातें सुनकर अपना दिल को हल्का करती है। और गुरु प्यारी सात संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए और सभी सात संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा। स्वामी जी।